हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। आज मैं आपको सिखाऊंगी मसाला एग कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छी डिश है, आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी ले सकते हैं, सब्जी के तौर पे भी खा सकते हैं। और रेसिपी देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर रेसिपीज लाइक दिस। देखिए व्यूअर्स, मसाला एग बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल ले लिया है, 1 टेबल स्पून। और तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें बड़े बड़े प्याज, यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए हैं, ये पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस करके रख लिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे इसके अंदर, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद और थोड़ी सी देर 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं 2 शिमला मिर्च डालूंगी, ये भी मैंने बारीक बारीक काट ली है, और इसे भी हम अभी फ्राई करेंगे इसके साथ। ये बहुत ही अच्छी और चटपटी सा स्नैक हो जाएगा तैयार। आप सब्जी के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे शिमला मिर्च को साथ में। इसके अंदर मैं 1/2 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस करके डाल दूंगी। पेस्ट नहीं डालना है, अदरक कद्दूकस करके डालिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर मैंने 2 बड़े टमाटर, 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये भी बारीक बारीक काट लिए हैं, लंबे लंबे देखिए, और इसको भी इसमें डाल देंगे और इसको अब हम फ्राई करेंगे साथ में। देखिए हमारी ग्रेवी का जो बेस है वो इन्हीं 3 चीज़ों से बनेगा, तो ये अच्छे से डालिए 3 चीज़ें, और इनको फ्राई अच्छे से करना है हमें। आइए अब इसके अंदर हम सूखे मसाले डाल लेते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ हरे धनिया का पाउडर डालूंगी, इसके साथ साथ लाल मिर्ची का पाउडर डालूंगी 1 चम्मच, 1/2 चम्मच मैं हल्दी का पाउडर डालूंगी और नमक स्वाद अनुसार डाल लूँगी। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको दबाना नहीं है हमें, साबुती होनी चाहिए सब्जी, और इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए व्यूअर्स, जब तक हमारी सब्जी तैयार होती है तब तक हम एग प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास 5 बॉइल्ड एग हैं, और देखिए मैं इनके अच्छे से एक बार एक स्लिट करके इसके अंदर का योक निकाल लूँगी, और योक निकालने के बाद ये जो ऊपर वाइट पार्ट है इसके बारीक बारीक स्लाइसेस कर लूँगी। देखिए बहुत ही बारीकी से इसको निकाल लूँगी। इस रेसिपी के लिए हमें योक अलग चाहिए, योक के बॉल्स अलग चाहिए, और ये बारीक बारीक हम स्लाइसेस कर लेंगे, बिल्कुल लंबी लंबी, जैसे प्याज और टमाटर की ये थी, ऐसे सारी ये सफ़ेद भाग की स्लाइसेस कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं, और ये योग भी हमारे अलग से सेपरेट कर लिए हैं। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं हमारी ग्रेवी को, और ये हमारा तेल सेपरेट हो गया है प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर से, और मसाला भी अच्छे से भुन गया है, खुशबू भी आ रही है। तो आइए इसके अंदर 2-3 चीज़ें और मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच टमाटो केचप डाल रही हूँ, इसी के साथ साथ मैं ग्रीन चिली का सॉस डाल रही हूँ, ये 1 चम्मच ग्रीन चिली का सॉस डालूँगी, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली का सॉस डाला है। आप चाहें तो ये इसको स्किप भी कर सकते हैं, तीखा नहीं खाते हैं तो। यहाँ मैंने डार्क सोया सॉस लिया है व्यूअर्स, ये भी मैं 1 छोटा चम्मच डाल दूँगी। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और आँच को मैं इस टाइम पर तेज़ कर दूँगी। आइए अब इसके अंदर ये बॉल्स डाल हटा के, और ये सिर्फ वाइट पार्ट डाल लेते हैं अंडे का। अभी हम सिर्फ वाइट पार्ट डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमें अभी बॉल्स नहीं डालने हैं, नहीं तो वो मैश हो जाएंगी इसमें, तो बॉल्स हम बाद में डालेंगे। इसको ढक के 5 मिनट के लिए और पकाएंगे हम। आइए व्यूअर्स, इसको 5 मिनट हो गए हैं, खोल के देखते हैं, सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर मैं 1/2 छोटा चम्मच वाइट पेपर पाउडर, और ये जो हमने योग की बॉल्स रखी थी, ये बिल्कुल अलग सेपरेट रखी थी बॉल्स, ये भी डाल देंगे, और हरा धनिया पत्ता ऊपर से डाल देंगे गार्निश के लिए। व्यूअर्स, हमारी सब्जी बिल्कुल ही तैयार है, इसको मिक्स कीजिए और सर्व कीजिए, गर्मा गर्म बहुत ही अच्छी लगेगी। इस टाइम पे बहुत ही हल्के हाथ से इसको
मिक्स कीजिए, नहीं तो बॉल्स है जो हमारी योग की बॉल्स हैं वो टूट सकती हैं। देखिए व्यूवर्स, हम मसाला एग बिल्कुल तैयार है, और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी किसी रेसिपी के साथ। गुड बाय।